इस वीडियो में पगड़ी पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं, ताकि आगे उत्तर देने में आसानी रहे। तो जैसा कि हमारी कविता का नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो कविता में बताया गया है कि एक पगड़ी का मैल उतारने के लिए उसको इतना रगड़ा गया कि रगड़ने से वह पगड़ी ही फट गई, जिससे पगड़ी की मालकिन इतना झगड़ी कि ना मैल रहा पगड़ी का और ना ही पगड़ी रही। अब इसकी अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। वाक्य पूरा करो। पगड़ी रगड़ी क्योंकि वह मैली थी। पगड़ी फट गई क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रगड़ा गया। एक साथ बोले जाने वाले शब्द लिखो, जैसे भाई बहन, ऐसे ही हट्टी कट्टी, खाना पीना, दिन रात, मोटी तगड़ी। इन्हें किससे साफ किया जाता है, सही का निशान लगाकर बताओ। तो दांतों को आप किससे साफ करते हो, कोयले से या टूथपेस्ट से? टूथपेस्ट से करते हो ना, तो यहाँ पर सही का निशान लगाओ। ऐसे ही जूतों को चमकाने के लिए क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं या तेल लगाते हैं? तो उन पर पॉलिश करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाओ। बर्तनों को धोने के लिए हम क्या करते हैं, शैम्पू को काम में लेते हैं या विम बार? तो बर्तनों के लिए विम बार। कागज को साफ करने के लिए पानी लेते हो या रबड़? तो कागज को साफ करने के लिए हम रबड़ को लेते हैं। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे वीडियो को जरूर देखें। क्या कपड़े धोते समय मैल निकालने के लिए साबुन लगाना जरूरी है? तो बच्चों, ये बात आप अपने माता पिता से पता करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।